छोटी सोच और पैर की मोच आपको हमेशा सफल होने से रोक सकती है। नमस्कार, आकाश बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? बिजनेस को बड़ा करना है तो पहले अपनी सोच को बड़ा करो। आदमी उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। तो अगर बिजनेस को बड़ा करना है तो अपनी सोच को बढ़ाइए। हाँ, एक कस्टमर से 100 रुपया नहीं कमाना है, 100 कस्टमर से 10 रुपया कमाना है, सेल को बढ़ाना है, तब आपका मार्जिन बढ़ेगा। आप क्या कर रहे हो, एक कस्टमर को काट दे रहे हो। हाँ, ज़्यादा मार्जिन कर दे रहे हो, पैसे नहीं होता। कस्टमर ज़्यादा बढ़ाइए। एक कस्टमर से कितना कमाना है? एक कस्टमर से 100 रुपया नहीं कमाना है, 100 कस्टमर से 10 रुपया कमाना है। तो आज बात करेंगे, जितना भी प्रीमियम कलेक्शन है कुर्ती का, काफ़ी भाइयों ने कमेंट किया था कि भैया कुर्ती का प्रीमियम वाला का नया स्टॉक दिखाइए। तो जितना भी प्रीमियम वाला कुर्ती है उसका सारा का सारा कवर करेंगे, और साथ में प्लाजो जो कम दाम का है वो भी आपको दिखाएंगे। काफ़ी सारी वीडियोज़ आ रही हैं, रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ, तो जाइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और किस टॉपिक के ऊपर, कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, क्या आपके कस्टमर्स में दिक्कत आ रही है या मार्केटिंग में दिक्कत आ रही है, तो आपने जितने भी प्रॉब्लम है अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, उसका सलूशन करेंगे। और जो भाई नेगेटिव कमेंट करते हैं, जो दुकानदार, जो एक्चुअली बात ये है, समझो काफ़ी देखता हूँ दुकानदार लोग ने चैनल बनाया है और नया चैनल बनाया है यूट्यूब में, और वो सारा का सारा ध्यान मेरे पे लगा देते हैं। हाँ, कि मैं रेट के साथ वीडियो बना रहा हूँ तो उनको बड़ा दिक्कत होता है। जो कुर्ती मैं 115 में बेचता हूँ वो 140 में बेचते हैं, तो दिक्कत तो होना ही है। तो आलतू फालतू जाके कमेंट करते हैं, तो खैर वो अपना काम कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। और इतना ध्यान अगर वो अपने धंधे में लगाएंगे तो वो ज़्यादा ग्रोथ ले पाएंगे। आप मेरे पे ज़्यादा ध्यान लगाओगे तो मैं ज़्यादा ग्रोथ कर ले लूँगा। तो अपना एनर्जी फोकस अपने काम में लगाइए, बेटर रहेगा। अच्छा काम कीजिए, जेन्युइन रह के काम कीजिए। तो उन सब के को एक बार साइड करते हैं, जितना भी आज का कुर्तिया कलेक्शन है सारा का सारा आपको दिखाते हैं। हाँ, इस टाइप का देखिए रहता है, ये पूरा का पूरा सेट वाला रहेगा इस टाइप का। देखिए आज थोड़ा आराम से दिखाएंगे, टाइम लेके दिखाएंगे। हाँ, इसका प्लाजो सेट रहेगा ऐसा, ये देखिए ऐसा रहेगा प्लाजो सेट पूरा का पूरा। तो पूरा का पूरा वर्क किया हुआ है ये, और साथ में इसमें दुपट्टा भी रहेगा, इसका पूरा मैचिंग दुपट्टा भी रहता है। इस टाइप का पूरा कलेक्शन रहेगा, ये देखिए ऐसा सारा साइज मिल जाएगा इसके अंदर। हाँ, ऐसा कैटलॉग रहता है इसमें। ये 560 का है, ओनली 560, तीनों का तीनों सेट में रहेगा। काफ़ी बिकता है प्रीमियम कुर्ती, और रिटेल काउंटर जिसका है उसमें बहुत ज़्यादा बिकता है। इस टाइप का रहता है कलेक्शन। देखिए भाइयों ने कमेंट किया था कि भैया पीस समझ में नहीं आता है, तो आज मैं पूरा खोल के दिखा रहा हूँ। ये देखिए इस टाइप का पूरा कलेक्शन रहता है, इसमें ऐसा दुपट्टा रहता है, मैचिंग दुपट्टा रहेगा, सिंपल एंड सुवर पीस। ये सब 585 का है। इस टाइप का पूरा कलेक्शन रहता है। ये देखिए बहुत ही प्यारा पीस, इस टाइप का रहेगा, उसका पूरा पक्का साइज मिलेगा, ऐसा रहेगा। फैब्रिक बहुत बढ़िया फैब्रिक है। कुर्ती में एक बात है कि हर हफ्ता नया कलेक्शन आता है, और आप भी कुर्ती का काम कर रहे हैं तो आपको आइडिया होगा। इस टाइप का पूरा कलेक्शन रहता है, ऐसा बंडल रहता है, 450-450 में काफ़ी सारा रेंज मिल जाएगा कुर्ती में। इस टाइप का भी रहता है, ये देखिए पूरा का पूरा वर्क किया हुआ, इसमें आपको प्रिंट भी मिल जाएगा और वर्क भी किया हुआ मिलेगा। बहुत अच्छा फैब्रिक है, प्योर साइज मिलेगा, सारा का सारा एक्सेल डबल एक्सेल ऑल अवेलेबल है। ऐसा बंडल रहता है, कैटलॉग भी रहेगा, काफ़ी सारा प्रिंट भी मिल जाएगा और कलर्स भी हो जाएगा। इस टाइप का भी प्रीमियम में बहुत बिकता है, बीरभूम मुर्शिदाबाद में ये आइटम बहुत बिकता है। और इसका प्लाजो सेट भी है, इसका पूरा का पूरा इस टाइप का प्लाजो सेट है, ओनली 380 का है ये विद प्लाजो के साथ में। इस टाइप का भी पूरा ये घेर वाला, और साथ में इसके ये जैकेट भी रहता है,
ऐसा रहेगा फैट लॉक। सारा का सारा आप अगर स्टोर विजिट करते हो तो सारा का सारा कलेक्शन आपको मिल जाएगा और नया कलेक्शन भी काफ़ी है। ये देखिए इस टाइप का इसमें पूरा वर्क किया हुआ रहेगा, बहुत ही बढ़िया फैब्रिक मिलेगा। 350 ओनली 350 ऐसा कैटलॉग रहेगा, ऐसा बंडल रहेगा, इस टाइप का रहता है। ये देखिए ये इस टाइप का कैटलॉग रहता है ओनली 420 का। काफ़ी सारा अब ये मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा फटाफट दिखाता हूँ, वीडियो बड़ी हो जाएगी। इस टाइप का रहता है और इस टाइप का भी रहता है, इस टाइप का भी कलेक्शन मिल जाएगा 300, 350, 400 में काफ़ी कलेक्शन मिल जाएगा। काफ़ी सारा प्रिंट है, काफ़ी सारा प्रिंट मिल जाएगा। अच्छा, सारा का सारा माल सीओडी में बिल्कुल अवेलेबल है और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो घर बैठे आपको ईएमआई पे भी सारा का सारा माल मिल जाएगा और सीओडी ऑल इंडिया अवेलेबल है। तो 700 पे कॉल करिएगा और अभी कॉल करिए तो बेटर रहेगा, नया कलेक्शन है आपको मिल जाएगा। और वेबसाइट अगर चाहिए, वेबसाइट का लिंक चाहिए तो व्हाट्सअप कीजिएगा। अगर कोई कॉल नहीं उठाता है घबराने का नहीं, व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप में मैसेज कीजिए, बेटर रहेगा, हमारे लिए भी बेटर रहेगा, आपके लिए भी बेटर रहेगा। इस टाइप का रहेगा कलेक्शन, देखिए इस टाइप का रहता है, ये ऐसा भी रहता है और ये दुपट्टा में भी रहता है और इस टाइप का भी रहता है। अब ऐसे देखा जाए ये पूरा का पूरा ये कुर्ती का रूम है, ये देखिए पूरा का पूरा स्टॉक है यहाँ पे, अच्छा खासा स्टॉक है। इस पूरा का पूरा ये कुर्ती का कलेक्शन है। जनरली कुर्ती का जो आइटम है वो 95 से चालू है, 95, 100 रुपये, 103, 104, 105, हर दो दो रुपये में नया वैरायटी मिलता है। प्रीमियम वाला भी रखते हैं, प्रीमियम वाला बहुत बिकता है और कम दाम वाला कुर्ती का भी कलेक्शन है, उसका अलग वीडियो आएगा, एक दो वीडियो है यूट्यूब चैनल पे, अगर जा करके देखिएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्लाजो का कलेक्शन में। और एक भाई ने कमेंट किया था, सज्जन ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था, सर कि मेरे को अपना बिज़नेस में बहुत अच्छा ग्रोथ लेना है, मैं क्या करूं? देखो, अगर आप अपने बिज़नेस में ग्रोथ लेना चाहते हो दो तरीका है, या तो आप ज़्यादा वैरायटी रखो या तो आप ज़्यादा कस्टमर रखो। अगर आपके पास ज़्यादा कस्टमर बेस है तो डेफिनेटली आपका सेल बढ़ेगा, अगर आपके पास ज़्यादा प्रोडक्ट है तब भी आपका ज़्यादा सेल बढ़ेगा। तो आप अपने हिसाब से देखिए, आपके एरिया में बहुत सारे कस्टमर हैं जो आपसे माल नहीं ले रहे हैं, उनको टारगेट करो। अगल बगल एरिया में जाके देखो, माल तो बिक रहा है, आपसे नहीं ले रहे हैं, कहीं और से ले रहे हैं, तो उसमें टारगेट करो। हैं और जो कस्टमर है, अब जैसे आप कुर्ती रखते हो तो वहाँ पे प्लाजो भी रखोगे तो वो बिकेगा, कस्टमर आएगा तो दोनों लेके जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे आइटम का रेंज और बढ़ाइए, मीडियम रेंज रखिए, लो रेंज रखिए, प्रीमियम रखिए। हम भी यही कर रहे हैं, हम भी इतना सारा प्रोडक्ट रखते हैं, तो इससे क्या है, कस्टमर आपको रहेगा, आपको छोड़ के नहीं जाएगा। तो अगर आपको उसको ग्रो करना है, अपने बिजनेस को जेन्युइनली आप ग्रो करना चाहते हो, तो पहले तो मेरी सारी वीडियोस देखना, आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और आप धीरे धीरे इसको इम्प्रूव कीजिए, क्या क्या आइटम आप ला सकते हो जो बिक रहा है। ऐसा नहीं है गारमेंट में हर आइटम बिकता है, खाली बेचने वाला चाहिए। जो ये गारमेंट का काम कर रहे हैं उनको आइडिया है, जो पुराने प्लेयर्स हैं तो उनको पता है कि कैसे काम होता है। आप अगर नए हो तो इसमें एक ध्यान रखिए, धीरे धीरे प्यार को नहीं, धीरे धीरे व्यापार को बढ़ाना है, बार बार कहता हूँ, हर बार कहता हूँ। तो जितना भी प्रोडक्ट रेंज है उसको बढ़ाइए, लो रेंज में खाली अगर दुकानदारी करो तो मीडियम माल रखिए, मीडियम रख रहे हो तो प्रीमियम रखिए, सारा वैरायटी रहेगा तो ऑटोमेटिक सेल जनरेट होगा। और कस्टमर को ज़्यादा नया कस्टमर में ध्यान लगाइए कि नया कस्टमर कहाँ माल बेच रहे हो। अगर आप मानो उड़ीसा बेचते हो तो आप बिहार क्यों नहीं बेच पा रहे हो, बिहार में दिमाग लगाइए। तो थोड़ा थोड़ा ग्रोथ लेकर के आइए, वो बेटर रहेगा। डेली थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट लेके आओगे अपने बिजनेस में तो ही आप ग्रो कर पाओगे। अगर आप बैठे रहोगे, देखते रहोगे, सोचते रहोगे तो नहीं हो पाएगा। नहीं समझ में आता हमसे आके मिलिए, हम आपको बताएंगे। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, काफ़ी सारे वीडियोज़ है, वीडियो का दो पार्ट बन चुका है। धीरे धीरे प्यार को नहीं व्यापार को बढ़ाना है, एक बार जाके देखिए और अपने आप से सवाल पूछिए, क्या मैं बेटर कर सकता हूँ। देखो, बिजनेस में ना कॉपी करने से काम नहीं चलता, मैं हर बार कह रहा हूँ ये बात। आप अगर सोचोगे कि उसने ऐसा किया तो मैं भी कर लूँगा, हाँ
वो ऐसा किया तो मैं भी बेचूंगा, मैं सस्ता बेचूंगा, उससे ला कर और भी सस्ता बेचूंगा। किसी दिन कोई आपसे ला के सस्ता बेचेगा, वो कस्टमर वहाँ चला जाएगा। वैसे नहीं होता है, आप कुछ यूनिक करिए जो कोई नहीं कर रहा, वो करिए तो डेफिनेटली ग्रोथ होगा। तो दिमाग लगाइए, हर सवाल का जवाब आपके पास खुद है, आपको केवल उसको देखना है, उसको समझना है। अपने आप को बंद कीजिए एक रूम में, सोचिए क्या बेटर कर सकता हूँ। हाँ, अपना डायरेक्शन, अपनी एनर्जी अपने पे लगाइए, लोगों पे मत लगाइए। लोगों पे लगाओगे तो लोग बढ़ जाएंगे। काफ़ी लोग मेरे पे एनर्जी लगा के रखे हैं, हाँ मेरे पे बड़ी नज़र है, काफ़ी कमेंट करते हैं। कितने लोगों का तो मैं नाम बता दूँ अभी, वो आज तक हमसे माल लिए ही नहीं, बिना फालतू के कमेंट करते हैं। अरे क्या बिगाड़ा है मैंने आपका, मैं जेन्युइन होकर काम कर रहा हूँ, ये मेरा प्रॉब्लम है। ये आपका प्रॉब्लम है कि मैं जेन्युइन होकर काम कर रहा हूँ, आप जेन्युइन होकर काम नहीं करते हो। हाँ, आप जितना मेरे बारे में बोलोगे उतना मेरा ग्रोथ होगा। देखते देखते 1000 भी से कम का मेरा यूट्यूब चैनल था, आज 12000 प्लस हो गया। और लगाइए और। सेवेंटी टू का कम दाम का प्लाजो है, बहुत दिखता है। ये अच्छा साइज में रहेगा, पूरा पक्का साइज रहेगा इसका। 85 का, ओनली 85 का। इस टाइप का भी रहता है, काफ़ी सारा कलर मिल जाएगा इसके अंदर। 95 का अच्छा फैब्रिक है, अच्छा साइज मिलेगा। प्रिंटेड में बात करूं तो ऐसा रहेगा। ओनली 100 का, ओनली 100 का अच्छा साइज मिलेगा। और इसका स्टॉक भी अच्छा खासा है, ऑनलाइन में भी अवेलेबल है, सीओडी में भी अवेलेबल है। और ये देखिए, थोड़ा अगर मैं बात करूं प्रीमियम का, ये 115 ओनली। अब ये सब क्या है, काफ़ी अच्छा आइटम है, हमेशा बिकता है। कुर्ती का अगर आप रखते हो तो प्लाजो बिल्कुल रखिए, आपका ऑटोमेटिक सेल बढ़ेगा।
तो ऐसा काफ़ी सारा वीडियो आएगा, अपना ध्यान रखिए। वो नेगेटिव कमेंट वाले, आप भी अपना ध्यान रखिए। आप जो कर रहे हो आपको अच्छा लगता है तो आप करिए, और अपना ध्यान रखिए, अपने व्यापार का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।